हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुपर सुपर। तो गाइस, लोगन का लेटेस्ट ट्रेलर आ चुका है और पिछले ट्रेलर की तरह ही ये ट्रेलर भी बहुत धमाकेदार है। इस ट्रेलर में पिछले ट्रेलर वाली सारी चीजें हैं, पर थोड़ी ज्यादा डिटेल्स के साथ। लोगन तीसरा चैप्टर है वुल्वरिन ट्रिलॉजी का और साथ ही साथ ही ग्रैंड फिनाले भी है एक्समैन फ्रेंचाइजी का। तो गाइस, एक क्लोजर लुक लेते हैं लोगन के ट्रेलर 2 का। पहले ट्रेलर के बैकग्राउंड में जॉनी कैश का गाना हर्ट बज रहा होता है और इस ट्रेलर की शुरुआत में स्टोर के रेडियो में जिम क्रोस का आई गॉट अ नेम बज रहा होता है। तो पहले ट्रेलर का गाना बेसिकली वुल्वरिन के सेंटीमेंट्स पर था कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेगा, पर ये गाना X-23 यानी लॉरा के लिए है जो कि फ्यूचर बनाने के बारे में है। इस ट्रेलर में जो हम खुला इलाका और धूल भरी सड़कें देख रहे हैं वो जगह टेक्सास है। कन्वीनियंस स्टोर को देख के लग रहा है कि आम लोग अभी भी हैं और शायद म्यूटेंट्स अब नहीं रहे, और अब सिर्फ वुल्वरिन, प्रोफेसर एक्स और लॉरा आखिरी म्यूटेंट्स बचे हैं। हालांकि विलन्स क्या चाहते हैं ये अभी भी अनक्लियर है। तो सवाल ये उठता है कि लोगन के इवेंट कौन से ईयर में हुए हैं। X-Men Days of Future Past की हैप्पी एंडिंग 2023 में हुई क्योंकि किटी ने लोगन को 50 साल पीछे भेजा था समय में। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लोगन की स्टोरी 2029 की है। वुल्वरिन अब बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल ग्रे हो रहे हैं, उसके जख्म चोट के निशान छोड़ रहे हैं जो कि पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जबकि प्रोफेसर एक्स ना सिर्फ बूढ़े हो रहे हैं बल्कि वो मरने भी वाले हैं। पैट्रिक स्टूअर्ट और ह्यूग जैकमैन पहली एक्समैन मूवी से साथ में है और अब 17 साल बाद दोनों साथ में ये सफर खत्म करेंगे। एक्समैन हमेशा से ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। 1960 में एक्समैन फर्स्ट क्लास के दौरान प्रोफेसर एक्स ने ह्यूमन की मेमोरीज हटा दी ताकि अपनी टीम को प्रोटेक्ट कर सके, पर एलिस आइलैंड और गोल्डन गेट ब्रिज जैसे इवेंट्स के बाद उनका छुपा रहना इम्पॉसिबल था। ऐसा हो सकता है कि एक्समैन उस यूनिवर्स में बच्चों के कॉमिक बुक्स बन गए हैं जिसे X-23 पढ़ रही थी, जबकि वुल्वरिन बताता है X-23 को कि इनमें से कुछ चीजें हुई हो शायद, पर ऐसे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कौन इन बातों को ध्यान रख रहा है और स्टोरीज लिख रहा है एक्समैन जैसे फियर्ड और हेटरेड ग्रुप। ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर एक्स एक बड़ा रोल निभा रहे हैं फिल्म में जितना हमने सोचा था, और ये सीक्वेंस जिसमें लाइट आ रही है सामने से उसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद वो मर जाएंगे। इसी बीच ट्रेलर में लोगन और जेवियर आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, वो शायद लॉरा यानी X-23 के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या फिर और बड़ी बात जैसे एक्समैन। अगर शर्त लगाने की बात करे तो कोई मुश्किल ही शर्त लगाएगा कि कौन जिंदा बचेगा, लोगन या प्रोफेसर एक्स। ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर एक्स, लोगन और लॉरा शांति से एक फैमिली की तरह खाना खा रहे हैं, और हम एक और आदमी को देख रहे हैं जो प्रोफेसर एक्स के साथ है। वो शायद प्रोफेसर एक्स का कोई पुराना स्टूडेंट हो सकता है, और जो सीन हमें दिखा प्रोफेसर एक्स और वो ब्राइट लाइट वाला वो शायद इसी घर में हुआ है। हम अपने पिछले लोगन के ट्रेलर ब्रेकडाउन में डोनर पियर्स के बारे में बता चुके हैं। इस ट्रेलर में हमने उन्हें पहली बार बात करते हुए सुना, साथ ही साथ हमने ये देखा कि कितने आराम से उन्होंने लोगन को पकड़ लिया। इसी सीन में हमने पहली बार देखा X-23 के क्लॉज, जिसमें वो बुरे लोगों का गला काट रही है और उन्हें मार रही है। ये अभी भी अनक्लियर है कि लॉरा क्लोन है वुल्वरिन की या वो एक एक्सपेरिमेंट है। हालांकि लॉरा लोगन की तरह हरकतें कर रही है जिसमें सुपर स्ट्रेंथ और गुर्राना शामिल है। इस ट्रेलर के भी दो वर्जन्स हैं, एक जनरल ऑडियंस के लिए और एक एडल्ट्स के लिए। हालांकि दोनों में ही खून खराबा दिखा रखा है। जैसे पिछले ट्रेलर में उस बदकिस्मत आदमी के साथ जो हुआ, वैसे ही कुछ अब X-23 कर रही है इस ट्रेलर में। ये मूवी अभी तक की सबसे ज्यादा खून खराबे वाली मूवी होगी एक्समैन की। ये रिस्क है, पर इससे कम कुछ भी ऑडियंस के लिए बर्दाश्त के बाहर होगा, क्योंकि ह्यूग जैकमैन की फाइनल परफॉर्मेंस से जो एक्सपेक्टेशन है वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। तो गाइस, हमारे मार्वल वन शॉट की वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जिन्होंने दिया है वो है क्षितिज गर्ग, आर्यन गोस्वामी और सुहेल एसके। जिसमें से सबसे पहले आंसर देने वाले हैं क्षितिज गर्ग। तो हम क्षितिज गर्ग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपनी ईमेल आईडी हमारे फेसबुक पेज सुपर सुपर पे हमें मैसेज करें। तो गाइस, आज के वीडियो में जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये कि आयरन मैन का जो ब्रीफकेस आर्मर है वो कौन से नंबर का आर्मर है। अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे पेज सुपर सुपर हिंदी पे हमें अपना आंसर मैसेज करें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज सुपर सुपर। पीस।